हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से वीडियो में ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो आप भी बहुत ही आसानी से काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उस वीडियो को शूट कर रहे हो तो बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो या फिर ब्लू हो। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में या यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए लोग ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो आप ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में अपने वीडियो को शूट करें। वैसे दोस्तों, आप दूसरे कलर के बैकग्राउंड में भी वीडियो को शूट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों, ग्रीन बैकग्राउंड से वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है बाकी कलर के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए काइन मास्टर में ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करना सीख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से एक रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी रेशियो में वीडियो को एडिट करना चाहते हो आप सिंपली यहाँ से एक रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी के लिए फिलहाल इसे 16:9 में बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के जितने भी फोटोज़ एंड वीडियोस हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर दोस्तों, आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो के पीछे कोई वीडियो या फिर कोई फोटो ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए, मैं वीडियो के बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ पे कॉर्नर में कट का आइकॉन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली फोटो में क्लिक करके आपको इसके लेंथ को बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से सामने ले आना है और इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के लिए आपको सिंपली लेयर में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको राइट साइड में स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रीन स्क्रीन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रीन स्क्रीन में क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके से जूम करके अच्छे से मैनेज कर लेना है वीडियो को। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको राइट साइड में क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एनेबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोमा की को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप अपने ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड को और भी अच्छे से रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिटेल कर्व और शो मास्क में क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे की कलर का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली की कलर का ऑप्शन काइन मास्टर में इसलिए दिया गया है ताकि आप जिस भी बैकग्राउंड में वीडियो को रिमूव कर सको, आपको यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेना है। सपोज़ अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू है या फिर रेड है तो आपको यहाँ से ब्लू या फिर रेड चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको क्रोमा की को अनेबल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, वीडियो को प्ले करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको वीडियो को प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में आपको क्रोमा की के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad.